जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। माँ कामाख्या के बारे में जो गलत भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, आज हम उसका खुलासा करते हैं। कामाख्या वरदे देवी नीलप्रतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देवियम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। कामाख्या देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहता है, बताता है कि कामाख्या मंदिर की लो मूर्ति है, इसके दर्शन कर लो, तो वो झूठ बोल रहा है। कामाख्या माँ का जो मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। दूसरी बात, कामाख्या माँ के मंदिर के अंदर से कोई भी आपको सिंदूर नहीं मिलता है और नहीं बनता है, क्योंकि कामाख्या सिंदूर के नाम से बहुत से तांत्रिक लोग, बहुत से मनुष्य, सामान्य जनता जिनको ज्ञान नहीं है, वो लूटते हैं। कामाख्या मंदिर से कोई सिंदूर नहीं निकलता है और नहीं सिंदूर प्राप्त होता है, यह सब झूठ का पुलंदा है। और वो कामाख्या सिंदूर एक केमिकल है, एक पत्थर है, जो कामाख्या में नहीं होता, और कहीं पे है। कामिया सिंदूर और तामिया सिंदूर, इन दोनों को मिला करके तांत्रिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्लस है, एक माइनस है। एक कामिया सिंदूर होता है, एक तामिया सिंदूर होता है। उनको दोनों को विशेष विधान से प्रयोग करके भूत प्रेत वशीकरण, जादू टोना, ग्रह कलेश, व्यापार में अवरोध, प्रेम की समस्या, विवाह में परेशानी, अन्य समस्या में प्रयोग किया जाता है। परंतु ये दोनों चीज कामाख्या मंदिर से या कामाख्या पहाड़ी से प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी आपको ऐसा बोलता हो कि ये कामाख्या सिंदूर कामाख्या का है, तो वह झूठ बोल रहा है। मेरे को कामाख्या में रहते हुए 20-22 साल हो चुके हैं। जो भी चीज कह रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य है। 1% भी इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी झूठ नहीं है। कोई मूर्ति कामाख्या माँ के मंदिर में गर्भगृह में नहीं है, और नहीं कामाख्या सिंदूर वहां से मिलता है। जैसा कि लोग बाग कहते हैं कि कामाख्या सिंदूर से व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, तंत्र मंत्र नहीं होता है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि माँ कामाख्या मंदिर से वहां जो पंडा पुजारी, जो सेवा करने वाले होते हैं, उनसे यदि आप पूजा करवाते हैं, कन्या पूजन करवाते हो, तो वो आपको एक लाल सूता, एक लाल कपड़ा देते हैं, जो माँ कामाख्या के मंदिर से सिद्ध किया हुआ होता है। लाल रंग का वस्त्र होता है, उसे आप अपने साथ में तावीज में बांध करके रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। कामाख्या वरदे देवी नीलप्रतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या मंदिर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कामाख्या मंदिर में कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। कामाख्या मंदिर में कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच सुडेल डाकन वाला चला जाता है, तो कोई वो चीज निकाल देगा या निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। न तो तंत्र कटता है और न तंत्र चढ़ता है। आप जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि माँ की कृपा आपको मिल सकती है। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। माँ कामाख्या की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कामाख्या वरदे देवी नीलप्रतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या।